हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सट्रीम स्टील्स हीरो FI ES6 नहीं हो रही थी स्टार्ट, चार्ज नहीं ले रही थी, किससे स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसकी करी बैटरी चार्ज, उसके बाद ये हो गई स्टार्ट। हमने इसके एम्पियर चेक करे तो एम्पियर आ रहे थे 9, तो इसने नहीं लिया सेल्फ। तो हमने सबसे पहले इसकी बैटरी चार्ज करी और बैटरी चार्ज करने के बाद इसको लगाया, तब ये स्टार्ट हुई, लेकिन किक से स्टार्ट नहीं हुई। बैटरी में 9 वोल्ट करंट था तो किक से स्टार्ट नहीं हुई। तो बैटरी को फुल चार्ज करके जब दोबारा लगाया, ये जब स्टार्ट हुई है, यहाँ देख सकते हो आप, हमने इसकी सारी सो खोल रखी है, इस क्योंकि इसमें उसी थी चूहिया, हमने सोचा शायद वायर काट दिया चूहे ने, लेकिन वायर कोई नहीं काटा, तो इसकी ओनली बैटरी डाउन थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का हॉर्न बज रहा हो और गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना, ऐसे मल्टीमीटर से आपने सिर्फ बैटरी को चेक करना है कि बैटरी में करंट कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला लगेगा हमारा ब्लैक वाला माइनस में, और रेड वाला लगेगा प्लस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको करंट शो करेगा 12 वोल्ट 30 पॉइंट। ठीक है 29। अब इसमें करंट था 9 वोल्ट, जब 9 वोल्ट करंट होगा तो ये स्टार्ट नहीं होगी, सेल्फ नहीं लगेगी, टिक टिक करेगी, सेल्फ टिक टिक करेगा, किक नहीं लगेगी। किक से स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं था गाड़ी में, हमने खोल के चेक कर ली, वायरिंग भी इसकी सही थी, चूहा घुसा था, चूहे ने कुछ काट पीट करी, कोई नहीं, लेकिन ओनली इसकी बैटरी डाउन हुई, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब गाड़ी स्टार्ट हो रही है परफेक्ट, क्योंकि इसका करंट भी टनाटन आ रहा था, फ्यूल पंप से तेल भी सही आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो हमने बैटरी चार्ज करके जब दोबारा लगाई, जब गाड़ी स्टार्ट हुई है, और अब हर बार में स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको मिस्त्री भाइयों को, अगर इसकी सो खोलनी है तो कैसे खुलेगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप खोलने में से सो लें। ठीक, हम इसकी सबसे पहले सो फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे खुलेगी। पकड़िए में सिर्फ एक पेच यहाँ पर है 10 नंबर का बोर्ड, उसके बाद एक पेच यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, और 2 पेच इधर है, एक पेच इधर है और एक इधर है। ये तीनों चार पांचों बोर्ड खोलने के बाद 1, 2 और 2 इधर और एक ये, उसके बाद इसको इधर से साइड से फैला के, यहाँ से फैला के इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और 2 बोर्ड ये खुलेंगे टंकी वाले 12 नंबर के। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।